गुड मॉर्निंग क्लास। आज कंप्यूटर एप्लीकेशन के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की टाइप्स, मेमोरी की टाइप्स और रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम और उसकी टाइप्स, रोम और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर बाइनरी से डिजिटल और डिजिटल से बाइनरी नंबर्स की कन्वर्जन देखेंगे कैसे होती है। तो पहले देखते हैं कि सीपीयू की टाइप्स। तो सीपीयू की बेसिकली दो टाइप्स हैं, ठीक है, सीआईएससी और आरआईएससी मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर क्या होता है कि आपको पता है कि जब भी काम कोई हम इसको कंप्यूटर को कहते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन का करने को कहते हैं, कोई भी काम कॉपी पेस्ट या फिर किसी भी तरह का फंक्शन परफॉर्म करने को कहते हैं, तो ये एक इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो इन कंप्यूटर्स में सीआईएससी मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती थी, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, इसलिए टाइम भी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करता था। इसलिए नए टाइप के कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे जिसको आरआईएससी कहते थे, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में क्या होता था कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस सिंप्लीफाई हो जाती थी, मतलब 5-6 इंस्ट्रक्शंस एक साथ हो जाती थी और इनको छोटा करके कंप्यूटर को इनपुट किया जाता था, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी हाई हो जाती थी और ये इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो जाती थी। मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है उसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती थी और उसी उतना ही टाइम लगता था, ठीक है, जो कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एक ही स्टेप में होती थी लेकिन टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और टाइम जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाता था। और इसमें इंस्ट्रक्शन की लाइन, जैसे 10 लाइनों का एक इंस्ट्रक्शन है तो उसको एक लाइन में सिंप्लीफाई करके तो उसको एग्जीक्यूट किया जाता था, जिससे इसकी परफॉर्मेंस भी हाई हो जाती थी और जो टाइम कंज्यूम करता था वो भी कम हो जाता था। अब जब कंप्यूटर में कुछ भी हम सेव करते हैं तो उसको हम रेफ़र करते हैं कि वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है, ठीक है। तो मेमोरी को हम कह सकते हैं कि फिज़िकल डिवाइस है जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। और जैसे जैसे हम कोई भी की इंटर करते हैं तो वो कंप्यूटर में फीड हो जाती है, वो कंप्यूटर में सेव हो जाती है। अब वो कंप्यूटर में कैसे सेव होती है, ज़ीरोज़ एंड वन की शक्ल में, ठीक है, वो बाइनरी कोड्स में चेंज हो जाती है। जैसे हम ए या बी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर को ये नहीं मालूम कि हम ए टाइप कर रहे हैं या बी टाइप कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को ये मालूम है कि ए की कोड्स क्या हैं, तो वो ए के कोड्स को रीड करता है और ए या बी जो भी हम लिखते हैं वो स्क्रीन पर प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो ये ज़ीरोस एंड वन्स, ये दो स्टेबल साइड्स हैं, ये दो स्टेबल स्टेट्स हैं कंप्यूटर की, जो कि सारा कुछ डिफाइन करते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होनी है। और इनको हम कहते हैं बाई स्टेबल सिस्टम्स, ठीक है, बाई स्टेबल कहते हैं इनको। अब जो भी हम इंस्ट्रक्शन करते हैं उनका कुछ ना कुछ वज़न होता है, तो वो वज़न हम बाइट में या बिट में कहते हैं, बिट में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक बाइट जो है वो 8 बिट का होता है। अब पढ़ते हैं कि मेमोरी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। मेमोरी की टाइप्स में आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है कि ये हमारे पास टेम्प्ररी मेमोरी होती है जिसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई भी काम टेम्प्ररी स्टोर होता है, ठीक है। अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं तो वो रैंडमली एक्सेस होती है, वो अपने अब जैसे आपको पता है कि रैम में
मेमोरी टेम्प्ररी होती है, ठीक है। तो टेम्प्ररी का मतलब यह है कि जब तक इसके अंदर बिजली होगी तब तक इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, और जैसे ही बिजली ख़त्म कर दी तो बिजली के साथ ही इसके अंदर से इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाती है। जैसे हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट नहीं करते हैं और बिजली चली जाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन वहीं से ख़त्म हो जाती है, कहीं पर भी पेस्ट नहीं कर सकते। दोबारा हम अगर कंप्यूटर को ऑन करके पेस्ट करना चाहे तो वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी पेस्ट करने के लिए। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक एस रैम है और एक डी रैम है, ठीक है। तो डी रैम जो है उसके अंदर तो थोड़ा सा अब इसकी दो टाइप्स हैं, रैम की दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है कि ये काफ़ी एडवांस टाइप ऑफ रैम है, जिसके अंदर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस पहले से पड़ी होती हैं, ठीक है। और इसको दोबारा दोबारा रिफ्रेश करके देखना नहीं था पड़ता कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन मेरे अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। इसलिए इसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है और इसका रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो नॉर्मल डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है या फिर डी रैम है उससे काफ़ी तेज़ थी। बरक्स इसके कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या था कि वो बहुत स्लो थी, क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करके देखना पड़ता था कि इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसलिए इसको हम काफ़ी स्लो कंसीडर करते थे। उसके बाद आती है रोम, मतलब रोम रीड ओनली मेमोरी, जिसका मतलब यह है कि इसके ऊपर से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस मेमोरी में था कि हम उसके ऊपर राइट भी कर सकते थे, रीड भी कर सकते थे, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दे के और उससे जो फीडबैक थे वो भी ले सकते थे। लेकिन रोम में सिर्फ हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें से सिर्फ रीड कर सकते हैं चीज़ें। मतलब यह है कि जैसे हमारे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन होती है कि क्लिक करेंगे तो किसी चीज़ को सिलेक्ट कोई चीज़ सिलेक्ट की जाएगी, ठीक है। तो ये एक रोम का फंक्शन है कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब रोम की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ते हैं कि रोम की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये ऐसी ऐसी प्रोग्रामेबल मेमोरी है जिसके ऊपर परमानेंटली स्टोर हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। इवन अगर हम इसको बंद करके ऑन भी करें कंप्यूटर को तब भी इसके ऊपर ही रहता है। उसके बाद आती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये भी परमानेंट मेमोरी है लेकिन किसी हद तक, क्योंकि हम इसको कंप्यूटर में ही प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको प्रोग्राम करना हो, ठीक है, एक प्रोग्राम हटा के दूसरा करना हो, तो इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के से एक्सपोज करना पड़ता है, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट इसके ऊपर डालनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसके अंदर का सारा कंटेंट सारा डाटा इरेज हो जाता है और दोबारा से हम इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तीसरी टाइप है WEPROM, ये भी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की तरह बिहेव करती है, मतलब EPROM की तरह बिहेव करती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज चाहिए होते हैं, वहाँ पर तो अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज चाहिए होता है इसको इरेज करने के लिए, और उसके बाद इसको दोबारा से रिप्रोग्राम किया जा सकता है।